मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के लिए लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपन्न हो गया है। राज्य के मतदाताओं ने वोट डालने का एक नया कीर्तिमान रचा है। इस बार मध्य प्रदेश में कुल 73.69% मतदान हुआ है। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत चुनाव आयोग को राहत देने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश के वोटिंग में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या वह सामान्य है? इसी मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से मतदाता रात तक लंबी लंबी कतारों में लगे रहे, इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का मानना है कि यह सत्ता विरोधी लहर है और लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया है। कांग्रेस पिछली बार से ज़्यादा मजबूती से सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी इस बार हुए मतदान को सामान्य बता रही है। बीजेपी का कहना है कि 2% वोट मध्य प्रदेश के चुनाव में हर बार बढ़ता है। वोट प्रतिशत बढ़ने का मुख्य कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रही जनसंख्या और चुनाव आयोग का जागरूकता अभियान है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या सच में वोट प्रतिशत बढ़ना एक सामान्य राजनीतिक घटना है या कुछ खेल होने वाला है? क्या महिला वोटों से सत्ता की चाबी का हस्तांतरण होगा या सत्ता स्थायी होगी? क्या सत्ता विरोधी वोट बूथ तक जा पाए हैं या नहीं? क्या स्थानीय स्तर का समीकरण है चुनाव के समीकरण बदलने में अहम है? और क्या नए वोटर भी हार जीत तय करेंगे? इस प्रकार के जो तमाम सवालात हैं अब राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं।